हाय आज के सोशल स्टडी के जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया है और uh, कोशिश की है कि इस थोड़े से वक्त में इन थोड़ी सी स्लाइड्स के जरिए आपको एक वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन फराम करें सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन द इंडस प्लेन्स आर इरिगेटेड बाय कैनल्स ये इरिगेशन सिस्टम के बारे में है कि जो सिंध है वहाँ किस तरीके से इरीगेशन का सिस्टम चलता है द लार्ज नेचुरल चैनल ऑफ वाटर दैट फ्लोज फ्रॉम माउंटेन इन टू सी इज कॉल्ड रिवर ये एक आपका कॉमन सेंस होता है कि आपको फर्क पता चलना चाहिए कि सी में रिवर में एक नदी में नाले में क्या फर्क होता है डैश फ्लोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन ऑप्शन ए स्ट्रीम। इन सिंधी द वर्ड डैश इज यूज फॉर स्ट्रीम। ऑप्शन बी नई द नई कच फ्लोज डाउन द दा खेथर माउंटेन इन टू द ऑप्शन डी मंछर लेक ने कंजी नई फ्लो डाउन दर माउंटेन इन टू द मंछर लेक ये जो हम लफ्स कह रहे हैं नई एन ए आई नई यानी नदी द साइड नई फ्लो डाउन द खेथर माउंटेन इन टू द ऑप्शन डी मंछर लेक ये मुख्तलिफ नदियां हैं जो मंच झील में ही या मंचर लेक में ही बहती हैं वेरी हाई लैंड स्टीप डैश आर कॉल्ड माउंटेन ऑप्शन बी स्लोप्स यानी मुख्तलिफ किस्म की ऊंचाई ऊंचाईयों के साथ जो बहुत ऊपर ऊपरी जमीन होती है उसे हम कहते हैं पहाड़ या माउंटेन्स इंपॉर्टेंस ऑफ कलकान माउंटेन्स इज ऑप्शन बी लाइम स्टोन चूने के पत्थर की वजह से कालकेन कालकान माउंटेन जो है वो फेमस है कालकान एक और भी चीज़ है जो कि टर्की का एक टूरिस्ट पॉइंट है तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हम पाकिस्तान का कालकान कह रहे हैं ये पंजाब में है नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ मकली हिल आर ऑप्शन डी टॉम्स इसमें मुख्तलिफ़ के मकबरे हैं तारीखी किस्म के इंपॉर्टेंस ऑफ गंजा टक्कर इज ऑप्शन बी लाइन गंजा टक्कर छूने के पत्थर की वजह से मशहूर है देंस टू थर्टी हाई इन थर्ड डेजर्ट ऑप्शन बी मीटर छ से तीस मीटर तक हाई है थर्ड डेजर्ट में A continuous नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड ऑप्शन बी स्प्रिंग चश्मा जो कि कुदरती तौर पर जमीन से एक पानी निकलता है जिसे हम चश्मा कहते हैं

Muncher Lake is situated near option B Babuk. Muncher is dash meter deep, option B three meter deep. Muncher Lake is dash square kilometer wide in dry season, option C 30 square kilometer. In hot sun, the water evaporates, leaving a layer of salt on the ground. This is called option B salinity. The area of Sindh is dash square kilometer. Option B, Choda square kilometer. Hope oh, this video will be helpful. Thanks for watching.